देश भर से आए चार धाम तीर्थ यात्रियों का देवभूमि में आने का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी क्रम में हर्बर्टपुर के नव निर्मित बस अड्डे पर श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। तीर्थ यात्रियों को असुविधा ना हो, इसको लेकर प्रशासन के तमाम आला अधिकारी निगरानी रखे हुए हैं। यात्रा में वाहनों से जाम ना हो, इस हेतु वाहनों को व्यवस्थित तरीके से रवाना किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु जन अपने गंतव्य तक आसानी से जा सके। इसके अतिरिक्त बस अड्डे पर हर्बर्टपुर के समाज सेवियों के द्वारा निरंतर भोजन, खीर एवं जलपान की व्यवस्था की जा रही है। सेवा करने वालों में भाजपा उपाध्यक्ष नीरू देवी, बलवंत सिंह, राजपाल चौरसिया, सचिन गुप्ता, शैलेंद्र शर्मा, सुरेश सोनी, पंकज गौड़, गुरमेल सिंह, नीरज रोहिला, अमन गर्ग, मधु राघव, जनार्दन जोशी, मुकेश भरथरी, संदीप ठाकुर, नरेंद्र राठौर आदि समस्त सेवादार मौजूद रहे। हमारे उत्तराखंड राज्य देवताओं का राज्य है और सभी विभिन्न राज्यों से जो यात्री आए हैं श्रद्धालु, उनके लिए सभी नगरवासियों ने स्वागत भी और उनके जलपान की व्यवस्था करी, जिससे कोई हमारे उत्तराखंड का अच्छा मैसेज आए, क्योंकि हमारी सरकार ने और प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और नगर यहाँ पे अर्बटपुर में बस स्टैंड पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि सभी को जलपान की व्यवस्था कराई, सभी हमारे कार्यकर्ता, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई जलपान की व्यवस्था में लगा है, कोई भंडारे की, जो भी जिससे बन रहा है वो अपनी व्यवस्था में लगा है, जिससे हमारे अच्छा यात्रियों के बीच में अच्छा मैसेज आए। तो ये सभी हम लोगों ने मिलकर व्यवस्था की है। चार धाम यात्री जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर्बर्टपुर से होकर जा रहे हैं, उनकी सेवा में हम सब लोग लगे हुए हैं और उनका खैर खबर पूछ रहे हैं। उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो नहीं है, यदि कोई परेशानी है तो उनकी हम मदद कर रहे हैं। कोई संदेश जो आप देना चाहते हो? मैं सभी उत्तराखंड वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो हमारे चार धाम में यात्रा करने आ रहे हैं, उनका मतलब स्वागत करें और उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना होने दें। पिछले चार दिन से हमारे यहाँ चार धाम यात्री जो है श्रद्धालु वो रुके हुए हैं। हर्बर्टपुर बस स्टैंड जो नया बना है, क्षेत्रीय विधायक ने फर्स्ट स्टॉपेज जो है उनका यात्रियों का यहाँ पे बनाया है। तो जो सिविल के लोग जो हैं, जो श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए प्रसाद का, खाने का, हलवे का, खीर का और मीठे जल का जो है उन्होंने उनके लिए उनके कार्यक्रम बनाया है, जिससे उनकी सेवा हो जाए। ये जो सेवा चल रही है आपकी, ये इसका समय क्या है, टाइमिंग? ये सुबह से लेकर शाम तक चलती है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8:30 बजे तक। क्या आप प्रतिदिन कर रहे हैं? हाँ, हम नहीं कर रहे, सिविल लोग कर रहे हैं, सब मिलजुल के कर रहे हैं। कभी कोई आ जाता है, कोई विकास नगर से आ जाता है, कोई सेलाकुई से आ जाता है, तो लगभग सभी लोग मिलजुल के इनकी सेवा में लगे हुए हैं। इसी प्रकार की सेवा के जो है और लोग भी सहयोग करें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम देखो जो लोग बद्रीनाथ नहीं जा सकते, कुछ लोग नहीं जा सकते, किसी को कोई एफेक्टर है, कोई बीमार है, कोई कैसा है, अगर वो इनकी सेवा करेगा तो समझो उनको यहीं पे बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन यहीं हो जाएंगे उनको, क्योंकि ये तो हमारे लिए भगत जो है बद्रीनाथ केदारनाथ ही हैं। जी, आपका नाम? चार धाम यात्रियों की सेवा की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें सेवा का मौका मिल रहा है, सौभाग्य वाली बात क्या है। आपके द्वारा क्या वितरण किया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ जल सेवा। कोई संदेश जो आप देना चाहते हो आज? हमेशा हमें ऐसी सेवा का मौका मिलता है। गंगोत्री मैया की जय, और केदारनाथ बाबा की जय, और बद्री विशाल भगवान की जय, और सभी सनातनी धर्म प्रेमी भक्तों की जय।